हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखे हिंदुस्तान पे स्वागत है। अगर आपका क्लास 10th या 12th में कंपार्टमेंट आया है और आप चाहते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के दौरान हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरह की स्टडी करें जिससे हम एग्ज़ाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप चैनल पर लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके आप 100% गारंटीड आप कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। अगर आप इन टिप्स को रियल में फॉलो करते हैं तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ क्वेश्चंस का, जो आपके क्वेश्चंस थे इन रिगार्डिंग क्वेश्चन को भी मैं क्लियर करूँगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम में कैसे पढ़ाई करें, या दूसरा था कंपार्टमेंट एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए, और आपका तीसरा क्वेश्चन था कि कंपार्टमेंट एग्जाम के दौरान हम कैसे अपना टाइम टेबल को शॉर्ट टाइम, यानी कि आपके टाइमिंग बहुत कम बच रही है, यानी 30 डेज या कहें 1 मंथ से भी कम बच रहा है, तो आप इन शॉर्ट टाइम्स में आप कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे, किस तरह मैनेज करें अपने टाइमिंग को जिससे आप कंपार्टमेंट एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकें, तो मैं आपको पूरा टिप्स दूंगा जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आइडियाज़ मिलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको हेल्प मिलेगी आपको कंपार्टमेंट के एग्जाम क्लियर करने में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलते चलते वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना तो ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो जो आपसे जुड़ी हुई है बोर्ड से रिलेटेड हम अपलोड करते रहते हैं, और कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको पूरी हेल्प करूंगा। पहले देखिए, अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम आ भी चुका है तो आप पहले इस दिमाग से एक चीज़ को निकाल दीजिए, आप डिप्रेशन को ख़त्म कर दीजिए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस में चले जाते हैं जिसके कारण वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो आपके टाइमिंग मिली है उस टाइमिंग का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता क्योंकि डिप्रेशन के कारण वो हर बार यही सोचते रहते हैं कि कैसे मेरा कंपार्टमेंट आ गया, मैंने इतना लिखा था। तो आप इस चीज़ को तो पहले आप क्लियर कर दीजिए कि इस चीज़ को मुझे दिमाग में नहीं लाना है, मतलब डिप्रेस तो नहीं होना है, डिप्रेस होने से आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, तो आप इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए माइंड से। और दूसरा, आप अपने आप को हैप्पीनेस करिए, यानी कि हैप्पीनेस करने के लिए आप ये सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे चांस मिला है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। जब तक आप इन दो बातों को, यानी दो टिप्स को अपने माइंड में सेट नहीं करेंगे, जब तक आपको कंपार्टमेंट पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो आपको मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा उन सब का लॉस ही होने वाला है। तो इस टाइप से पहले आप इन दोनों ट्रिक्स को अपना लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्जाम की आप तैयारी करना है तो आपको शॉर्ट टाइमिंग के दौरान आपको करना क्या चाहिए कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास सैंपल पेपर नहीं है, अपने फ्रेंड्स से लीजिए, फ्रेंड्स से न लिए तो आप मार्केट से भी परचेस करके सैंपल पेपर आप ले सकते हैं। और सबसे मेस्ट, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे ही रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर के भी सैंपल पेपर देखते जाएं क्योंकि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर देखने से मिलेंगे कि आपको ये चीज़ तो आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह का कंपार्टमेंट एग्जाम पूछा जाता है। मैंने 2018 का मैथ और साइंस का बाकायदा सैम्पल पेपर डाल रखा है। अगर आपको और भी कोई लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर या कोई सी भी आपको क्वेश्चंस की दिक्कत हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपकी पूरी मदद, पूरी से पूरी मदद कर रहा हूँ और लगातार करूँगा। तो आप देखिए, अब जो आपका थर्ड टॉपिक आता है वो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है क्योंकि आपको कई लोग कहते हैं कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, पढ़ो मैं मना नहीं कर रहा, आप वो भी बुक पढ़ो मगर साथ साथ एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। एनसीईआरटी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, तो आप एनसीईआरटी को करें। अब इन सारे टाइम टेबल की तो बात हो गई, अब बात होता है आपको मैनेज टाइम टेबल, क्योंकि जब तक आप मैनेज टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाएंगे उस तब तक आपको पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। तो आप टाइम टेबल को मैनेज करिए कि मुझे रोज 6 घंटे 5 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आपने इन 30 डेज को दौरान नहीं पढ़ा, आप बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इन 30 डेज के दौरान आपने सोचा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, तो आपको ये बात दूसरी तरफ सोच लेना चाहिए कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, आपका 1 साल बर्बाद होने वाला है। यानी कि अगर आप 12 मंथ को बचाना चाहते हैं तो आपको 30 डेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो यानी कि आप 30 डेज को पूरा जी जान लगा दीजिए आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने में। आपको कोई भी रोक नहीं सकता कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने में, पूरा मन लगा के पढ़िएगा। और
अब वीडियो को लास्ट तक आते हैं तो उससे देखते हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपका टॉपिक होता है कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट में करिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर से जरूर डालूंगा। अभी तक जितने बच्चों ने कमेंट किया, मैंने सबकी वीडियो सबकी क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कोशिश की है और लगातार वीडियो डाल भी रहा हूँ। तो आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। कंपार्टमेंट की आप बढ़िया से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।